हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक वीडियो में। आज मैं आप लोगों को डेल्टा सोलर कंपनी का सोलर इन्वर्टर अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टेक वीडियो, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डेल्टा कंपनी का सोलर इन्वर्टर है, उसका बॉक्स है। हम इसको ओपन करेंगे और दिखाएंगे आपको कि इन्वर्टर कैसा दिखता है, क्या है बॉक्स के अंदर, क्या क्या मिलता है आपको। आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर फ्रंट पे ही रखा हुआ है MC4 कनेक्टर है और एक AC कनेक्टर है जिसमें AC केबल को कनेक्ट करते हैं। MC4 कनेक्टर में DC केबल कनेक्ट करते हैं। उसके बाद साथ साथ में इन्वर्टर का वाउचर है। इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैसे हैं, वो सब लिखा हुआ है, वो सब है। और लगे हुए हैं पेपर जिस हिसाब से इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट क्या है, ये सब दिख रहा है आपको सामने। डेल्टा का इन्वर्टर है और सब कुछ डेल्टा का ही है। बॉक्स में इसका वार्निंग क्या है, सब कुछ डेंजर है, ये सब लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। बार कोड्स हैं और भी तमाम चीज़ें हैं। तो आगे आप देख पा रहे हैं इन्वर्टर में, देखिए ये इन्वर्टर है आपका डेल्टा सोलर इन्वर्टर, ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए है। जो हम ऑन ग्रिड में लगाते हैं इन्वर्टर, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है ये, 5 KVA का इन्वर्टर स्टैंड है जिसमें इन्वर्टर को फंसा के रखते हैं। और उसमें नमी ना आए या सीलन ना आए, इसके लिए भी रखा होता है, केमिकल्स हैं वो सब हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्विच, DC स्विच दिख रही है इन्वर्टर पे। MC4 इनपुट के लिए दिया हुआ है, दो इनपुट है, MPPT रेंज में है। वाईफाई राउटर है, AC आउटपुट है। अर्थ के लिए भी इन्होंने दे रखा है, हीट सिंक लगाया है पूरा इन्वर्टर पे इन्होंने। और इन्वर्टर देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और देखिए इसमें देख पा रहे हैं आप हीट सिंक कैसे दिख रहा है, इन्वर्टर कितना खूबसूरत वाइट कलर का, बहुत अच्छा इन्वर्टर है। और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, डेल्टा का है, देख पा रहे हैं आप, वाइट कलर का है। इस इन्वर्टर पे हम 5 किलोवाट का प्लांट लगाएंगे और स्पेसिफिकेशन है IP65 प्रोटेक्शन है। बारकोड है इन्वर्टर के बारे में, सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। डेल्टा कंपनी लिखा है, बाहर की कंपनी है, इंडिया की नहीं है। और सब कुछ है इसमें। यही प्लेट है आपको सामने जिसके सहारे पे इन्वर्टर लगता है। स्पेस प्लेट को इसको हम प्लेट पे दीवार में लगा लेते हैं, फिर इन्वर्टर को लगाते हैं उसके।